क्या आपको आपका फेवरेट चीज है? देखिए, अगर आपने देसी खाना है मेलबर्न में, मैंने ढूंढ लिया है। ओके, बिकॉज यहाँ पे जो इंडियन पाकिस्तानी खाना है, इन लोगों को नहीं पता। दुनिया वैसे इतनी तेज है, पता नहीं जिंदगी का होना क्या है, लड़ने से क्या फर्क पड़ता है यार। क्या सोचते हो आईपीएल में भी, पिछले वर्ल्ड कप में भी? देखा, उसको फ्यूचर है। और मेरे ख्याल में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जब मैंने देखा उसको एशिया कप में भी। हाँ जी, रेडियो हाँ जी 1674 एम इस वक्त तुम देख रहे हो, दिस इज अयर अपना आरजे पुनीत, मेरे वालों प्यार परी सच प्रकाल ते नमस्कार। दयास कर दिन तुहाडा चंगा चल रहा होवेगा। इस वक्त कैमरे दे विच ऑब्वियसली द लेजेंड हिमसेल्फ इज विद मी। सो असीं पहुंचे हो फॉक्स स्टूडियोज, सो वसीम अकरम पाजी, वेलकम वेलकम सर, वेलकम लेजेंड टू रेडियो हाँ जी एंड मेलबर्न अगेन। की हाल चाल? थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते टू एवरीवन हियर इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। So excited for the World Cup 2023? Very excited. सारियां दी तरह इंडिया इंडिया ही छोड़ रहा है। क्रिकेट प्लेइंग कंट्री है, बड़े बड़े स्टेडियम ने पैक हाउसेज होंगे, इंडिया वन ऑफ द फेवरेट्स, पाकिस्तान भी जाएगा वन ऑफ द फेवरेट्स। सो या लुकिंग फॉरवर्ड, ऑस्ट्रेलिया इज देयर एज वेल अप देयर इन माई ओपिनियन, बट आई थिंक या इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स विद न्यू माइंड सेट, लॉट मोर रन्स। यू नो, हमारे दौर में जब हम खेलते थे तो रन्स होते थे 230, 232 बहुत होते थे, अब 332 काम होते हैं। सो दिस वर्ल्ड कप में हम ये देखेंगे रन्स 300 से प्लस ही होंगे हर मैच में। हर मैच में मतलब 400 स्कोर भी बनेगा। अभी क्वालिफाइज में बना 400 स्कोर, वहां पे जो जिम्बाब्वे में हो रहे हैं जी, 400 बना उसमें। सो या यहाँ बनेंगे। ग्राउंडें थोड़ी छोटी तो नहीं कहूंगा, फास्ट आउटफील्ड है इंडिया में, और यू नो गैप में गई तो चौका है। So I think runs बढ़ेंगे, और फिर अब प्लेयरों की टेक्निक, उनका माइंड सेट इज डिफरेंट देन द 90s। वो जाते हैं हिट मारने जाते हैं, वो रोकने नहीं जाते, सिंगलों का नहीं सोचते, एक छक्का लगा तो ये नहीं कि रोटेट करें, दूसरे छक्के के लिए जाते हैं। और अभी तो टेस्ट मैच में ये इंग्लैंड ने शुरू किया हुआ है बैसबॉल क्रिकेट, या तो अभी एशेज में भी हम देखा कल, लेकिन अच्छा मैच था कल रात को पहला दिन। बिल्कुल यही बैसबॉल, आई एम ऑल फॉर इट। ये पॉजिटिव चीज है, टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव किया उसने। उसका ये मतलब है कि वो हारने से नहीं डरते, वो कहते हैं कि खुल के खेलो। वो टेस्ट क्रिकेट एक माइंडसेट था कि ब्लॉक 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 ब्लॉक, नाउ नाउ दे वांट टू विन द टेस्ट मैच, एंड दैट्स व्हाई टेस्ट क्रिकेट दोबारा रिवाइव हुई है। तो आपको लगता है कि जो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल था इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, उसमें इंडिया ने वो गलती की कि ये डर के खेला, थोड़ा आगे अग्रेसिव नहीं खेला? आई थिंक मैंने वो गौर से देखा नहीं, बट या एक तो इंग्लैंड में था, वो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, एक नए नए एक टेस्ट एक मैच के लिए जाते हैं तो तैयारी ज़रा मुश्किल होती। दूसरी टीम भी गई थी, पर ऑस्ट्रेलिया यूज टू है यहाँ से वहाँ का, इंडिया वहाँ है सिर्फ एक मैच के लिए। और मैंने पढ़ा किस प्लेयर ने कहा कि कम से कम 3 मैच होने चाहिए फाइनल के लिए। मैं इससे एग्री करता हूँ। ओके, एक मैच इस मतलब रिदम नहीं आंदा, फिर तुम दूसरे मैच जाकर रिदम फट दे हो, देन यू नो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप जो ये टेस्ट चैंपियनशिप है, इट्स अ बिग डील। उधर ही मेरे ख्याल है कि 3 के मैच होने चाहिए ने, बेस्ट ऑफ 3 टाइप। सो लाइक जब मैं नॉकआउट वर्ल्ड कप दे विच वी नॉकआउट ही होवेगा, सो बेस्ट टीम ऑब्वियसली फाइनल्स दे विच जाएगी, बेस्ट टीम, बिकॉज़ इट्स अ 92 वर्ल्ड कप। आई थिंक पिछले वर्ल्ड कप वाला फॉर्मेट है कि एवरी टीम हैज टू प्ले अगेंस्ट ईच अदर वंस दे, बट 46 47 गेम्स ऑल टुगेदर ऑफ द वर्ल्ड कप। सो या एंड इट्स हैपनिंग इन इंडिया विद बिग सिटीज, बिग स्टेडियम्स, बिग क्राउड, इट विल बी इनक्रेडिबल। सो लास्ट टाइम इन 1992 जब यही फॉर्मेट सी, पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप, सो टीम तैयार है इस बार पाकिस्तान दी? या पाकिस्तान की टीम तैयार है, साडा कप्तान भी तैयार है, साडे यंग मुंडे भी तैयार ने, साडी टीम यंग है, शाहीन है, नसीम शाह है, हारिस राउफ है, ये लड़के बॉलर्स की गल कर रहे हैं, शादाब खान है साडा स्पिनर, विकेट टेकर ऑलराउंडर, दैन वी हैव बाबर आजम, दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, टॉप विराट कोहली के नाल, केन विलियमसन, डेविड वॉर्नर, स्मिथी रूट, इनमें आता है वो लंबा स्कोर कर रहे हैं वो, रिजवान है हमारा ऑलराउंड क्रिकेटर, ओपनर है फखर जमान। सो या गुड टीम, कॉन्फिडेंस है मैंने पाकिस्तान टीम पर। सो की वो जो रिजॉल्व हो रहा है इशू की इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान टीम खेलेगी? देखें, मैं इंटरव्यू दिया था पिछले दावे देता सी कि पाकिस्तान टीम क्यों परेशान हो रही है। अगर मेरा ड्रॉ निकले है जितने भी निकले है वर्ल्ड कप, मैं खेलना है चाहे वो अहमदाबाद है, चाहे चेन्नई है, चाहे कोलकाता है, चाहे मुंबई है। तो ये डिसीजन क्रिकेट प्लेयर्स को नहीं करते, प्लेयर्स को नहीं फर्क पैंदा। आई थिंक कोई बोर्ड शायद बिचों कह रहे हो, बट ग्रुप निकले जाके खेलो आराम, डोंट वरी अबाउट इट।
या बिकॉज क्योंकि ये भी बात चल रही थी ना, अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो दो पॉइंट सीधा लूज कर जाएगा, लेकिन ये एक बोल्ड सीजन होगा। इससे उनको फायदा ये भी हो सकता है कि अगर फिर भी पाकिस्तान सेमीज में पहुंचती है तो पाकिस्तान की जो क्राउड है वो कितना और विश्वास बढ़ जाएगा पाकिस्तान की क्रिकेट पे, बोर्ड पे, और पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड फिर से एक बार और यू नो दुनिया के सामने बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। ये डिसीजन तो गवर्नमेंट ने करना है, प्लेयर ने या बोर्ड ने नहीं करना, उन पाकिस्तान गवर्नमेंट कहेगी खेडो तो जाके खेलना पड़ेगा, इन्होंने खेलना चाहिए यार, क्रिकेट स्पोर्ट्स होनी चाहिए, पॉलिटिक्स डिफरेंसेस अपनी जगह, बट स्पोर्ट्स पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान इंडिया में। दुनिया वैसे ही इतनी तेज़ है, पता नहीं जिंदगी का होना क्या है, लड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है यार। Yes, so like you told, Pakistan has got no बड़े बहुत कमाल दे फास्ट बॉलर्स, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह। So do you think कि इंडिया के पास है कोई ऐसा बॉलर टक्कर देने वाला? Yeah, बिल्कुल है, इंडिया के पास शामी है, बड़ा इंप्रेसिव है, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, देन बुमराह का फिट होना बड़ा ज़रूरी है। अब पता नहीं उसकी सिचुएशन क्या है फिटनेस की, बट आई थिंक वो फिट होगा। फिर उनके पास स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, ऑलराउंडर जडेजा है, अश्विन है, अब देखते हैं किसको रखते हैं, फिर लेग स्पिनर्स ही बड़े अच्छे हैं, प्लेयर्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं इंडिया से, बट होम ग्राउंड का थोड़ा डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है 2011 में इंडिया जीता था। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर होता है होम विच, पाकिस्तान तो घट होएगा इंडिया, इंडिया तो ज़्यादा होएगा इंडिया, एंड वाइस वर्सा जो होते हुए सेम विद पाकिस्तान। ओके, सो अर्शदीप बारे क्या सोचते हो आप, क्या मतलब आपने देखा होगा उसको आईपीएल में भी, पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा उसको, फ्यूचर है। और मेरे ख्याल में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था जब मैंने देखा उसको एशिया कप में भी, हाँ। पिछले साल मैंने कहा था कि इसको लंबी क्रिकेट खेलनी चाहिए, इसको फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए ताकि उसकी पेस थोड़ी और बढ़े, स्विंग उसके पास है और लड़का अभी छोटा है, यंग है, मेरे ख्याल में उसके पास बड़ा ब्राइट फ्यूचर है अहेड ऑफ हिम। आई लाइक द वे ही बॉल्स, इज अ विकेट टेकर। यस, और आप ये आईपीएल में आपने देखा था जब उसने लगातार दो बॉल पे विकेट ही तोड़ दी थी? हाँ देखा था, अभी पेस बच्चा है ना, अभी पेस बढ़ेगी आपकी, जितनी लंबी बॉलिंग करोगे बॉलिंग मसल स्ट्रांग होगी और आपकी पेस तो होगी, और वही अर्शदीप के साथ हो रहा है। सो लाइक जब आप फास्ट बॉलिंग करते थे तो आपकी अगर आज के जो अगर वो इंटरव्यू देखेंगे बडिंग फास्ट बॉलर्स, तो डाइट के बारे में क्या कहोगे कि डाइट करती है इस चीज़ पे कि कितनी फास्ट आपकी पेस निकलेगी, कितना अच्छा आप खेलोगे, कितना अच्छा बॉल डालोगे? यार डाइट मैटर्स, ये नहीं कि पेस में मैटर, हेल्थ वाइज ही मैटर करती है। अगर डंगरा तरह खाओगे तो मेरा मतलब है पेट ही निकलना है ना, सो लेस इज मोर। ओके, क्या देख के खाना है, कितनी ट्रेनिंग करनी है आजकल के लोगों के पास। अब यू नो हमारे दौर में तो कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं थी, हमारा फिजियो मालशियों होता सी फिजियो लैदा, न्यूट्रिशनल लैदा, यू नो डॉक्टर अलहदा, थ्रो वाला बॉल एक नवी चीज़ निकली है, बॉल थ्रो करता है प्रोफेशनल, बड़ा हो रहा है ना। सो इन लड़कों के पास अब ज़्यादा नॉलेज है, गूगल है हमारे पास, मोबाइल नहीं सर होते, गूगल कितों आना सी, सो यू कैन ठीक है मैं इतनी खाऊंगा, कितनी कैलरीज जाएंगी, हेल्दी कैलरी क्या है, बुरी कैलरी क्या है। हमारे खानों में अगर कम खाओगे तो हेल्दी कैलरी है, जब ज़्यादा खाओगे तो वो फिर इधर ही आता है सारा। आ रहा, मेरे भी आ रहा है, मैं दिखा नहीं सकता बट ओके बिकॉज आई एम नॉट अ फास्ट बॉलर, मैं सिर्फ कैमरा देते हो ना, लेकिन होते भी दिखना थोड़ा कैमरा वैसे भी वेट पुट ऑन करता है मुंडिया। अच्छा तेरा होने तो हाँ, कैमरा 5 से 8 पाउंड वेट पुट ऑन करता है। ओके, तो आई थिंक जो मैंने, अब मैंने भी वजन कम किया है काफी, तो मैं खाना ओके, खाना कभी यार सुने बहुत घट खाता सी मरे है, यही सुने बड़ा खाता सी, चंगा भला सुता है, सुबह उठे नहीं। सो चलो एक क्रिकेट दी अगर हमें, हाँ एक क्रिकेट दी होर क्वेश्चन, आज जदों सी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 7 जुलाई है, 7 जुलाई को हमारे कैप्टन कुल धोनी का बर्थडे भी होता है। जी 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 जी। सो उसने इस बार आईपीएल में क्या कमाल की, उसकी अभी भी यू नो वो मेंटल कैपेबिलिटी या सोच है, जिस तरीके से वो क्रिकेट को देखता है बिहाइंड द स्टंप्स, इट्स रियली ऑसम, उसके बारे में कुछ। सबसे पहले तो धोनी को जन्मदिन मुबारक, सालगिरह मुबारक, बड़ा जबरदस्त बंदा है, कैप्टन कूल उसको कहते हैं, रीजन है वो अंदर से, उसका इंटरव्यू मैंने सुना, वो कहता है अंदर से मेरा उतना ही प्रेशर हो रहा होता है, मगर एक उसने हैबिट बना लिया ओवर द इयर्स कि मैंने एज अ कैप्टन प्लेयरों को प्रेशर, अगर कप्तान को आप प्रेशर में देखोगे तो प्लेयर भी प्रेशर में आते हैं, और यही उसकी सीक्रेट है सक्सेस की, कि जिस तरीके से वो ट्रीट करता है प्लेयरों को, चाहे हारे चाहे जीते, सेम एटीट्यूड, एंड दैट्स व्हाट धोनी इज ऑल अबाउट, और ऑफ द फील्ड मुंडा बड़ा चंगा। ओके ओके या
सो अगर बिकॉज अभी पाकिस्तान टीम इज गोइंग टू श्रीलंका जी दे आर फॉर टू टेस्ट मैचेस सो क्या लगता है कि श्रीलंकन टीम देगी कड़ा मुकाबला अपने होम ग्राउंड पे हाँ श्रीलंका मुश्किल होती गर्मी वहाँ होती है स्लो विकटें बनती हैं सो आई थिंक पाकिस्तान के बॉलर्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ओके बिकॉज हम श्रीलंका में बहुत क्रिकेट खेले हैं तब टुंगा और वृंदा को लेग बिफोर तो होता ही नहीं था उनका साढ़े किसी ने कैच भी नहीं थी फड़ना तो तब न्यूट्रल अंपायर भी नहीं थे होते डेड विकटें स्लो मुश्किल टूर होता है वो बट ये विल बी अ गुड टेस्ट फॉर पाकिस्तान बिफोर द बिग टूर्नामेंट्स के उनके बॉलर्स हमारे यंग बॉलर थोड़ा रिदम आ जाएगा थोड़ी बॉलिंग लंबी करेंगे सो आई थिंक फिटनेस भी इम्प्रूव होगी इनकी जी और ये वर्ल्ड कप बहुत बहुत बड़ा है ना 5 अक्टूबर से शुरू होकर 46 to 47 गेम्स तो क्या सारी टीमें खास करके इंडिया और पाकिस्तान के जो नए लड़के हैं वो तैयार हैं इतने आपको दिखते हैं फिट हैं इतनी लंबी गेम के लिए आई थिंक होना पड़ेगा उन्हें यार प्रोफेशनल हैं प्रोफेशनलों को ये बहाना नहीं चाहिए कि मैं T20 सिर्फ खेलना है वनडे क्रिकेट टफ है थोड़ी T20 आसान है इन अ वे 10 ओवर हैं आपने करने एज अ बॉलर उसमें जोर लगाना है दरमियान में वनडे प्रॉब्लम है दरमियान में 15 से 20 से लेके 40 ओवर तक थोड़ा डल हो जाता है वहाँ पर जो टीमें अच्छा करेंगी वो टीमें जीतेंगी जी और एक क्योंकि वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट टीम उनके बॉलर्स कितने कमाल होते थे वेस्ट इंडीज़ के वो इस बार क्वालिफाई भी नहीं कर पाई तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के फ्यूचर को कैसे देखते हैं आप अच्छा इट्स वेरी बड़ा दुख भरी बात है कि एक ज़माने में मैं जब नया नया आया था तो मैं दुआ करता था सोने से पहले कि वेस्ट इंडीज़ टीम जीतना तो दूर की बात है क्लोज आ जाए हम एज अ टीम बच्चा था इतनी ज़बरदस्त टीम थी विव रिचर्ड यू नो वॉज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम यू नो उनके फास्ट बॉलर्स पैटरसन होल्डिंग मार्शल विंस्टन बेंजामिन ये कर्टली एम्ब्रोस कोर्टनी वॉल्श 7-7 फुट लंबे अब उनके बॉलर्स है उनकी पेस है 122 मेरी पेस है उनमें 76 साल की उम्र करेंगे ना वो पेस देने ये इट वॉज इस ट्रैक पे वेस्ट इंडीज क्रिकेट जा रही थी आज से 20 साल पहले 15 साल पहले उन्होंने फोकस नहीं किया अब देखो ना वर्ल्ड कप से बाहर हो गए सारी कलिप्सो कूल एवरीथिंग इज गॉन नाउ That's a shame for world cricket. West Indies cricket का अपना मजा है जी सो अच्छा होता ना अगर वेस्ट इंडीज भी खेलती तो कोई नहीं सो वर्ल्ड कप आ रहा सो कमेंट्री रेडी फॉक्स देवते करण दलाई ऑल सेट लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क फॉर सो फॉक्स आफ्टर द वर्ल्ड कप पाकिस्तान इज कमिंग हियर उधर भी हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं मजा आंदा काम करन ऑस्ट्रेलिया यू नो ऑर्गेनाइज्ड होंदे ने यू नो एवरीथिंग इज ऑन टाइम एवरीथिंग वो इंडिया पाकिस्तान भी प्रोफेशनल हैं हम बट यहां का डिफरेंट मजा आता है पिचें मजेदार होती है मैच 3 दिन ही मुक जाता कई दफा दैट्स ऑलवेज अ प्लस सो अगर आप मेलबर्न में मेलबर्न है ना यू गॉट वेरी गुड मेमोरीज फॉर अबाउट मेलबर्न सो आप अभी अगर टाइम मिले जाते हो नेट्स पे अगर कुछ सिर्फ वही क्योंकि बंदे से क्रिकेट नींद निकाल सकते ना आप नहीं अब इतना माइंड ने हो गया कि बस अब मैं अगर बॉलिंग करूंगा तो फिर एम्बुलेंस पे लेके जाना पड़ेगा बेटा आप उनको तो हमारे व्यूअर्स को जो लिसनर्स हैं रेडियो पे उनको बताइए मेलबर्न की आपकी बेस्ट एक कुजीन या कहाँ से खाते हो आप क्या आपको आपका फेवरेट चीज़ है देखिए अगर आपने देसी खाना है मेलबर्न में मैंने ढूंढ लिया ओके बिकॉज यहाँ पे जो इंडियन पाकिस्तानी खाना है इन लोगों को नहीं पता इनको ज़्यादा थाए वियतनामीज यू नो चाइनीज ऑप्शंस बड़ी हैं इंग्लैंड में करी इज़ अ मस्ट Once a week, Brits they eat curry, but over here मैंने पाकिस्तानी ढूंढ लिया एक जायका हाँ वो तो बेस्ट है लाइगन स्ट्रीट वाला प्रॉपर हाँ वो वाला उसका देसी उसका जो गोट कढ़ाई है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इट्स लाइक तुसी पाकिस्तानी इंडियंस खा रहे हो बाकी मैं ट्राई किए नहीं मैं करो मिठे मिठे जो होंगे हैं वो इन लोगों के लिए बनाए होते हैं मीठा काट पाया करो यार बट आपको एंट्री मिल जाती होगी लेकिन जब हम वीकेंड पर जाते हैं जायका हाँ। तो लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं 45 मिनट्स वेट होती है और वो रिजर्वेशन भी नहीं लेते हाँ मैं एक दफ़ा गया था वो बिकॉज लड़का जो रन करता है जैन इज अ वेरी नाइस गाय जब मैंने कभी मंगाना भी हो फ़ोन करता हूँ घर भिजवा देता है खाना वहाँ ओके या सो या दैट्स माई फेमस हॉन्ट बट जनरली फूड इन मेलबर्न इज अनबिलीवेबल किसी खोखे में भी घुस जाओ किसी भी खाने के लिए एवरीथिंग इज फ्रेश प्रोड्यूस इज लोकली प्रोड्यूस्ड एंड यू नो मेरे ख्याल में दुनिया का बेस्ट खाना इज इन ऑस्ट्रेलिया सो विच इज योर फेवरेट टाइप ऑफ कॉफी मेलबर्न कॉफी इज द बेस्ट कॉफी इन द वर्ल्ड मैन आई एम नो आई वॉज इन अ कॉफी ड्रिंकर अबाउट 2 years ago my wife I used to bring her a cup every day in the morning being a nice husband as you do and then I got hooked onto it and then I had coffee in Pakistan लग रहा किसी ने तरकोने पाए एनी कौड़ी करेले पाके सस्ती होती है ना कॉफी की हमारी 0.1% है सेल कंपेयर टू टी हमारी कंट्री ज्यादा चाय पीती है डेफिनेटली तो वहां पे भी मुझे कराची में I found a coffee called Mal Brew
ओके वो पाकिस्तानी बंदा हु लिव्स इन मेलबर्न ही ओपन्ड अप अ कॉफी शॉप इन कराची वेयर ही सेंड्स द बीन्स फ्रॉम हियर ओके सो बिल्कुल टेस्ट यहां दा वाला बनी बट इट्स बेटर देन द अदर कॉफी देयर मतलब नाम भी क्रिएटिव सोचा माल ब्रू या या दैट्स गुड मूवीज देखते हो हां मूवीज देखता हूं इंडियन देखे अरसा हो गया बट या इंडियन देखो लंबा टाइम 3 घंटे नहीं है उम्र काट है तो पाकिस्तान अभी जवानी में बड़ी देखी इंडियन फिल्में बड़े ही उन पे हुए हैं अच्छा या अभी पाकिस्तान की वो मौला जट बहुत चली है वो देखी आपने नहीं वो नहीं देखी मैं अपनी फिल्म ही देखी जड़ी आई मनी बैक गारंटी ओके हाँ वो अभी उतरी है सिनेमा से पिछली ईद पे आई थी ओके या कॉमेडी ओके या आई डिड दैट बट मौला जट आई रेड अबाउट इट आई सॉ अबाउट इट आई थिंक इट्स फिनोमिनल फॉर फवाद आई मीन मैं भी फवाद खान के साथ काम किया ना अपनी फिल्म मनी बैक गारंटी में बट फवाद खान इज आवर सुपरस्टार एंड हमजा अली आई थिंक हमजा इज नेम इज अनदर सुपरस्टार एंड ऑफ कोर्स मायरा खान और पंजाबी में किया उन्होंने बड़ी yes. बात है उर्दू स्पीकिंग पंजाबी में सो आई लाइक्ड इट इट वाज वेल डन टू देम बिल्कुल जी हम भी यही आस करते हैं कि पाकिस्तान की फिल्म भी इंडिया में रिलीज हो और इंडियन लोग भी वो सारी फिल्में देखें हम यहाँ पे बैठे तो देख लेते हैं yeah. और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप भी एक स्टार हो लेजेंड हो और हमारे लिए आपने टाइम निकाला सीरियसली इट्स अ प्लेजर थैंक यू बड़ी थैंक यू और सुनते रहो देखते रहो रेडियो हाँ जी दिस इज अपना आरजे पुनीत नाउ साइनिंग ऑफ